को नमस्ते। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर 14887 और 14888 में ऋषिकेश बाड़मेर दोनों ही ट्रेन का अस्थायी ठहराव किया गया है, क्योंकि देशनोक करणी माता का प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु रेलवे ने ये सुविधा करी है। 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अस्थायी ठहराव रहेगा दोनों ट्रेनों का, आने और जाने वाले। और ये ट्रेन है 14887 ऋषिकेश से बाड़मेर जाने वाली ट्रेन, जो चलने को तैयार है। कैप्टन अमेरिका इसको हॉल करके लेकर जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा चैत्र नवरात्रि मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु बीकानेर से दादर बीकानेर दादर बीकानेर और बाड़मेर ऋषिकेश बाड़मेर एवं जोधपुर जम्मू तवी जोधपुर तीन ट्रेन की तीन जोड़ियों का देशमुख पर 2 मिनट का स्थायी ठहराव दिया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार, और ये जो गाड़ी चल रही है 14887 जिसका हम वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी संख्या 14887 ऋषिकेश बाड़मेर रेल सेवा, ये क्रमशः 20/3/23 से 30/3/23 तक देशनोक स्टेशन पर 11 बजे आएगी और 11 बजकर 1 मिनट पर आएगी और 11 बजकर 3 मिनट पर प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 14888 बाड़मेर ऋषिकेश रेल सेवा दिनांक 21/3/23 से 31/3/23 तक देशमुख पर कुल 14:58 पर आएगी और 15 बजे प्रस्थान करेगी। चैत्र नवरात्रि मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 3 जोड़ी रेल सेवाओं का देशनोक स्टेशन पर 2 मिनट का स्थायी ठहराव दिया गया है। गाड़ी संख्या 14707 बीकानेर दादर रेल सेवा, जो दिनांक 21/3/23 से 31/3/23 तक देशनोक स्टेशन पर 8:15 पर आएगी और 8:15 पर प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 14708 दादर बीकानेर रेल सेवा, जो 20/3/23 से 30/3/23 तक देशनोक पर 11:21 पर आएगी और 11:23 पर प्रस्थान करेगी। और इसी प्रकार तीसरी गाड़ी जो है वह 19/2/25 जोधपुर जम्मू तवी रेल सेवा, जो 21/3/23 से 31/3/23 तक देशनोक पर 10:34 पर आएगी और 10:36 पर प्रस्थान करेगी। ठीक इसी प्रकार गाड़ी संख्या 19/226 जम्मू तवी जोधपुर रेल सेवा, जो कि 20/3/23 से 30/3/23 तक देशनोक स्टेशन पर 15:55 पर आएगी और 15:57 पर प्रस्थान करेगी। अर्थात कुल 3 जोड़ी रेल सेवाओं का चैत्र नवरात्रि मेले के अवसर पर देशनोक पर अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है।